हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस ज़रूर करना और साइड में दिया गया नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज मैं आपके साथ बायोटिक स्क्रब का रिव्यू लेके आई हूँ। ये है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस फेस स्क्रब फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इट इज़ एन आयुर्वेदिक रेसिपी 100% विथ बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स और इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम है और इसका प्राइस है 75 रुपीज़, जो कि मैंने पहले मंगवाया था। अभी इसका प्राइस है 100 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। पीछे इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस फेस स्क्रब इज ब्लेंडेड विथ प्योर वॉलनट मेथी एंड सनफ्लावर ऑयल। Dissolve dead surface cells, unclog pore openings and smooth the way for clear skin to surface. Gentle refining action uncovers skin's natural brightness for a younger looking complexion. How to use? Apply and massage on wet face and neck with fingertips. Avoid eye area. Rinse with water or damp washcloth. Use daily or as needed. इधर दिया गया है कि आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो या फिर ज़रूरत के हिसाब से। मैं इसे सिर्फ वीक में एक बार यूज़ करती हूँ। स्क्रब को कभी भी डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, या तो हफ्ते में एक बार या दो बार। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा रनी है और इसका फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है। जो ग्रैनुल्स है वो थोड़े हार्ड है। मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। इसका क्लिप मैं यहाँ अटैच कर दूँगी। यहाँ पे मैंने फेस स्क्रब करने से पहले अच्छी तरह से फेस वॉश किया है, वो भी वार्म वाटर से। वार्म वाटर इसलिए यूज़ किया है ताकि चेहरे का जो रोम छिद्र है वो खुल जाए। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स एक्ने हैं तो मैं कहूँगी कि आप स्क्रब बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि अगर आप उस जगह पे स्क्रब यूज़ करोगे तो आपका पिंपल्स और वर्सन हो जाएगा। नोज़ पे और चिन पे अच्छे से जेंटल हाथों से मसाज करो, क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स उसी एरिया पे ज़्यादा होता है। स्क्रब होने के बाद आप अच्छे से नॉर्मल कोल्ड वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लो और उसके बाद कौन सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो और सनस्क्रीन अप्लाई करो अगर दिन का समय है तो। इसके बाद आपकी स्किन बहुत ब्राइटन और सॉफ्ट फील होगी, आप खुद महसूस करोगे। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।